बड़ी खबर का रुख करते हैं जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। दरअसल लैंडर विक्रम को कोई नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा है, पीटीआई के हवाले से खबर यहां पर मिल रही है। और इस दौरान ये कहा जा सकता है कि संपर्क साधने की जो कोशिश इसरो कर रहा है वो कोशिश एक पायदान और ऊपर यहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि कल जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक ये कि लैंडर विक्रम की इमेज यहां पर मिली थी, लेकिन अब जो जानकारी उसके मुताबिक ये कि लैंडर विक्रम को कोई नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा, और अगर संपर्क इसरो का उससे बन गया तो फिर प्रज्ञान जो कि रोवर है उसको भी चंद्रमा की सतह पर उतारने में बड़ी आसानी होने वाली है। उम्मीदें एक के बाद एक बढ़ती हुई, और अब जो उम्मीद है वो दरअसल इस बात को लेकर कि कहा जा रहा था कि शायद हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम को नुकसान यहां पर हुआ होगा, लेकिन अब कोई नुकसान की खबर यहां पर नहीं है। और इसरो की तरफ से कहा गया है कि जो लैंडर विक्रम है वो पूरे तरीके से सुरक्षित है और लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद यहां पर नहीं छोड़ी है, ये भी इसरो की तरफ से कहा गया है। और क्योंकि 14 दिन का वक्त है जब विक्रम के साथ संपर्क साधा जा सकता है, और अगर इस संपर्क साधने में सफलता मिलती है तो 100% ये अभियान पूरा होता हुआ दिखाई देगा, और जिसकी उम्मीद हर किसी को थी वो दिखाई देगा और अशोक स्तंभ चंद्रमा की सतह पर छापता हुआ रोवर आगे बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि कल लोकेशन ट्रेस हो गई थी विक्रम लैंडर की, और इसी के चलते अब वैज्ञानिक जो हैं पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। 14 दिन का वक्त है और इसमें कोई करिश्मा होने की उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी खबर भी हमें मिल रही है, और ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया की नजरें।